नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लानर्स में। आज हम बात करेंगे आपके ड्रीम हाउस की, जी हाँ आपके सपनों के घर की। कब मिलेगा आपको आपके सपनों का घर का सुख? इस धरती पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना खुद का घर हो, जहाँ वह अपनी मन मर्जी के अनुसार रह सके, उसे सजा संवार सके, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत कर सके। व्यक्ति की जीवन की कमाई, उसकी पहचान उसका अपना घर ही होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि आज के महंगाई के इस दौर में किसी के लिए अच्छी जगह पर घर बना पाना एक टेढ़ी खीर है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी किराए के मकान में रहती है। उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि उनका भी एक छोटा सा ही सही लेकिन सुंदर सा एक मकान हो, जहाँ वह निश्चित होकर अपने परिवार के साथ रह सके। ना मकान मालिक की टेंशन, ना दूसरे किराएदारों की झिकझिक। वहीं दूसरी ओर हम में से आधे से ज़्यादा लोग तो अपने पुराने पेरेंटल हाउस में रह रहे हैं, और हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो भी अब नए लजीज मकान में बनाकर उसका आनंद ले सके। लेकिन अपना मकान नहीं बना पाते लोग जिंदगी भर, क्योंकि जिंदगी भर उनका मकान बनाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। आखिर क्या कारण है कि कई व्यक्ति अपना स्वयं का मकान नहीं बना पाते? इसका जवाब उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में छुपा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि उस व्यक्ति का कभी अपना मकान होगा भी या नहीं, और यदि होगा तो कब बनेगा। और आज मैं आपको उन कुंडली के योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति को स्वयं का मकान प्राप्त होता है। जन्मपत्री में स्वयं की भूमि और मकान बनाने के लिए चतुर्थ भाव का बलि होना आवश्यक होता है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है मंगल। यदि जन्म कुंडली में मंगल शुभ है, बलवान है, तो व्यक्ति के पास अनेक भवन होते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में मंगल ग्रह दूषित हो तो व्यक्ति को अपना मकान बनाने में कठिनाई आती है। अब मैं आपको कुंडली बनने वाले ऐसे योगों के बारे में बताता हूँ जिन्हें मैंने गहन अध्ययन और बहुत सी कुंडलियों को पढ़ने के पश्चात सत्य पाया है। सबसे पहला योग होता है, यदि कुंडली में भूमि के कारक ग्रह मंगल यदि केंद्र में उच्च राशि या सब राशि में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत रुचक नामक राज्य गठित होता है, जिससे व्यक्ति को स्वयं के मकान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी तरह यदि कुंडली में मकान बनाने के कारक ग्रह शनि भी यदि कुंडली में केंद्र में उच्च राशि में या सौ राशि में स्थित होंगे तो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत सस्त नामक राजयोग गठित होता है। यह योग महल जैसे स्वयं का मकान बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी लगन भाव में हो और लगन भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी मेहनत द्वारा स्वयं का मकान बनाता है। यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और दसवें भाव के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए तो भी ऐसा व्यक्ति दूसरों के भवन से अलग और बड़ा और आकर्षक भवन जीवन में अपने मेहनत से बनाता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में चौथे भाव में चंद्र और शुक्र एक साथ हो या चौथे भाव में उच्च का ग्रह भी आके साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का मकान जो होता है बंगला या महल नुमा जैसा भवन होता है, जिसमें कलात्मक बगीचा, स्विमिंग पूल आदि सभी चीज़ें होती है। चौथे घर के स्वामी यदि नमाज में उच्च का हो जाए तो व्यक्ति को विवाह के पश्चात मकान बनता है, क्योंकि नमाज कुंडली हमारे जीवन साथी की कुंडली होती है। इसीलिए विवाह के पश्चात पत्नी के सहयोग से या उसके भाग्य से भी व्यक्ति को स्वयं के मकान बनाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से योग हैं जो स्वयं के मकान सुख प्राप्त नहीं होने देते। यदि जन्म पत्रिका में चौथे घर के अंदर राहु स्थित हो या फिर चौथे घर के स्वामी के साथ राहु की युति हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति स्वयं का मकान बनाने में दिक्कतें आती है। इसी तरह चौथे घर का स्वामी यदि वक्री हो तो व्यक्ति अपने बने बनाए मकान में स्वयं नहीं रह पाता, या तो मकान खाली रहता है या फिर किराएदार ही उस मकान का उपभोग करते हैं। चौथे घर में यदि चंद्रमा के साथ राहु या शनि की दृष्टि हो या युति हो तो विष दोष और ग्रहण दोष बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को घर बनाने में परेशानी आती है और माँ बाप का सहयोग नहीं मिल पाता। तो ये तो थी दोस्तों कुंडली में बनने वाले योगादि योग। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको स्वयं के मकान प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में स्वयं के मकान प्राप्ति के 30-40% योग भी गठित हो रहे हैं तो वो 100% में बदल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए आसान और इजी साधना बताता हूँ, जिसका प्रयोग करने से आपको स्वयं का मकान प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन शुरू करना है। इसके लिए आपको भूमि के कारक ग्रह मंगल और भवन निर्माण के कारक ग्रह शनि इन दोनों ग्रहों के सिद्ध अभिमंत्रित मंगल यंत्र और सिद्ध शनि यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों यंत्रों को आपको सर्वप्रथम गंगा जल से छींटे देने और अपने पूजा घर में स्थापित करना है।
इन्हें स्थापित कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 1.25 मीटर नीले कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। लाल वस्त्र में तो आप क्या करेंगे, मंगल यंत्र को आसन देंगे, और जो नीला वस्त्र नीला कपड़ा आपको बताया है उसे शनि यंत्र को आसन दें। इसके पश्चात मंगल यंत्र के सामने आप गुड़ और लौंग का भोग लगाएं और सिंदूर और कुमकुम का तिलक करें, और शनि यंत्र के सामने आपको काली मिर्च, कपूर और कुछ काले तिल अर्पित करने हैं। उसके पश्चात मंगल यंत्र के सामने तो आप एक चमेली के तिल का दिया करेंगे, और शनि यंत्र के सामने आपको तिल्ली के तिल का दिया कर देना। अब स्वयं के लिए आप लाल आसन जो बिछा के बैठ जाना है, और बारी बारी से दोनों यंत्रों के सामने जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करना है। सबसे पहले आप मंगल मंत्र का जाप करेंगे, वो इस प्रकार है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम्यहम। इस मंत्र का जाप के पश्चात आप शनि मंत्र का भी 108 बार जाप करेंगे, जो कि इस प्रकार है, नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमा गजम छाया मातृण संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। इन मंत्रों का आपको प्रतिदिन जाप करना है और स्वयं की मकान प्राप्ति की कामना करनी है। अब आपने जो मंगल यंत्र के सामने जो गुड़ और लौंग का भोग लगाया था उसे आप प्रसाद रूप स्वयं ग्रहण करें। इससे आप चाहे तो सब्जी चाय इत्यादि में हनुमान जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं, और शनि यंत्र के सामने जो आपने काली मिर्च और कपूर और काले तिल का जो प्रयोग किया था उसमें से काले तिल तो आप पक्षियों को चुगा दें, कपूर को आपको शनिवार के दिन ही अपने घर की जो मुख्य दहलीज होती है वहाँ पर जलाना है। ऐसा आपको नियमित रूप से करते रहना है। यह प्रयोग जो मैंने बताया है इसे मैंने बहुत से लोगों को बता चुका हूँ, और इसे विधिपूर्वक जिन लोगों ने भी इस प्रयोग को श्रद्धा के साथ किया है तो कुछ ही महीनों में उनके स्वयं के मकान प्राप्ति के योग घटित हो गए हैं, और वर्तमान में वे लोग अब स्वयं के सपनों के घर के अंदर रहने का आनंद ले रहे हैं। यदि आपको ये प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इन यंत्रों के अंदर जो मंगल यंत्र और शनि यंत्र मैंने बताए जो अभिमंत्रित करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप घर बैठे कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं, आपको पास पहुँच जाएगा। आइए अब आपको एक और दूसरा अद्भुत प्रयोग बताता हूँ। यदि आपने स्वयं का मकान बनाने के लिए कोई जमीन या प्लॉट देख रखा है और उसे खरीदने में दिक्कत आ रही है तो आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपने जिस जगह मकान बनाना है उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसे एक कांच की शीशी में डाल देना है, और उस शीशी में थोड़ा सा गंगाजल और इत्र की बूंदें डाल दें, और अपने पूजा घर में उस शीशी को लेकर आ जाएं। पूजा घर के अंदर सबसे पहले आपको एक जौ की ढेरी बनानी है, और उस जौ की ढेरी में जो आपने कांच की शीशी के अंदर जो मिट्टी लेके आए हैं उस मिट्टी के अंदर जो आपने गंगाजल और इत्र डाला उस शीशी को आप जौ की ढेरी पर रख दें, और अब आप इस शीशी को कुमकुम से तिलक करें और चावल अर्पित करें, और 1 रुपये का सिक्का भी इसके पास रख दें। फिर आपको कपूर जलाना है, इसके पश्चात शीशी के पास थोड़ी सी सौंफ और एक साबुत सुपारी भी रखें, और इसके पास आपको 9 देवियों का एक सिद्ध अभिमंत्रित नवदुर्गा यंत्र भी पूजा घर में स्थापित करना होगा, और 13 दिनों तक आपको यंत्र के सामने देवी माता का सिद्ध नवान मंत्र जो कि इस प्रकार है, ऐं रें क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र के 5 माला का जाप करना है, और जौ की डेरी में रोज थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालते रहना है। 13 दिन आपको हवन करना है, हवन के पश्चात जो अंकुरित दाने निकल आएंगे उन अंकुरित दानों को आप मनचाही जगह जहाँ आप क्या कहते हैं जमीन खरीदना चाहते हैं उन दानों को डाल के आ जाएं, जो कांच की शीशी के अंदर जो मिट्टी थी उस मिट्टी को आप पानी में विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों पश्चात आपका जो सपनों का मकान या जो जगह थी जो आप खरीदना चाहते थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रयोग को आप करके अवश्य देखिएगा। इसके अलावा अपने स्वयं के मकान प्राप्ति के योग प्रबलित करने के लिए हर जातक को अपने कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव के अधिपति का रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन कुंडली का निरीक्षण करवा कर ही पश्चात धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति यदि नीच राशि में स्थित है तो इस कंडीशन में आपको रत्न कतई धारण नहीं करना है। वैसे स्वयं के मकान प्राप्ति के लिए मूंगा रत्न धारण करना भी शुभ रहता है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में मंगल अगर नीच राशि में स्थित हो तो भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इन दो चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटे कुछ और अद्भुत टोटके बताता हूँ। आप अपना घर बनाने के लिए एक मिट्टी का हांडी ले लें और उसमें दूध दही घी शक्कर मिश्री और थोड़ा कपूर और शहद डाल लें। अब इस हांडी को आगे माँ दुर्गा के मंदिर में रखें और उसके सामने माँ दुर्गा का जो मंत्र मैंने आपको बताया था ऐं रें क्लीं चामुंडा विचे उस मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात इस हांडी को आप किसी भी बहते पानी के अंदर बहा दें, या फिर जब बहता पानी हो उसके पास जो जमीन होती है उस जमीन में गाड़ दें। शीघ्र ही आपको भूमि भवन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके स्वयं के मकान बनाने के लिए सीधे सरल और अद्भुत उपाय। इन उपायों को करके
आप अपना स्वयं का मकान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में ही चौथा भाव, जो मैंने बताया भूमि भवन का कारक ग्रह होता है, या मंगल शनि पीड़ित है, जिसके कारण आप अपना स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली का निरीक्षण करके मैं आपको सीधे साधे सरल उपाय आपको बताऊंगा आपकी कुंडली के अनुसार, जिससे आप भी जल्दी अपने स्वयं के मकान यानी कि अपने ड्रीम हाउस में रह सकते हैं। धन्यवाद।